आज जैसे ही सुबह हुई, अखबारों से लोगों को पता चला कि बंगला खाली करो की सरकार आती है। इस तर्ज पर दंडाधिकारी पहुंच रहे हैं बीजेपी के दो दो विधायकों की आवाज पर। जाहिर सी बात है, लोगों में उत्सुकता थी इस बात को लेकर कि आखिर बीजेपी के इन दो विधायकों से आवास कैसे खाली कराया जाएगा। दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा होता हुआ दिखा। दंडाधिकारी पहुंच गए आवास खाली कराने। विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली कराने को लेकर तो अदालत का आदेश आ गया, स्टे ऑर्डर मिल गया, लेकिन रणधीर सिंह का कहना था कि उन्हें जो आवास आवंटित हुआ है वो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ, वहां अभी फिलहाल काम चल रहा है, तो ऐसे में वो जाएं तो कहां जाएं। किस कदर बेफर उठे विधायक रणधीर सिंह और उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं पहले आपको। भाजपा विधायक रणधीर सिंह जी, रणधीर सिंह जी, जो ये आवास खाली प्रकरण बार बार सुर्खियों में आते रहे, बीते कुछ महीने भी सुर्खियों में आई थी कि रणधीर सिंह आवास खाली करने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें अभी भी लगता है कि वो सत्ता में है। रणधीर सिंह कभी अपने आप को सत्ता विपक्ष नहीं समझता है। रणधीर सिंह जनता का लीडर है, जनता का मैं नेता हूँ और जनता के लिए काम करता हूँ दिन रात। आवास की जहाँ तक बात है, अभी आपने देखा जो आवास मुझे आवंटन किए गए हैं, उस आवास को माननीय मंत्री महोदया समाज कल्याण मंत्री जवाब मांझी को पहले से आवंटित था। इन्होंने जब ये आवास को उन्होंने खाली किया, परसों आवास को उन्होंने खाली किया, कल से विभाग ने इसमें व्हाइट वाश कलर वाश प्रारंभ किया है रंग रोगन। अभी आप देख रहे हैं एक रूम का रंग रोगन, मैं सवेरे से निरीक्षण कर रहा हूँ। जब आप मुझे आवास दिए हो तो उस आवास को कंप्लीट करके रंग रोगन करके विभाग को हैंडओवर करना है। जो भी नए कोई विधायक उसमें जाते हैं, मंत्री जाते हैं, तो कंप्लीट करके आप देते हैं। कंप्लीट करके आप दिए नहीं, अब मतलब मजिस्ट्रेट बैठा दिए, तो सत्ता भी सत्ता का ध्वंस की बात यहाँ कहाँ से आ गई। उनका यह भी कहना है कि अगर रणधीर सिंह की बात मान ले तो आवास खाली करने के लिए उन प्रशासन नहीं लगानी पड़ती, कि रणधीर सिंह अपना सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे कारनामे करते रहते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि अगर यदि ये आवास का रंग रोगन फाइनल हो जाता, विभाग हैंड ओवर मुझे कर दिया जाता, तो भी अब आपको प्रशासन को लाने क्या आवश्यकता था आपको, उसके बाद प्रशासन आप लाते। अभी आप सामने लेबर लगा हुआ, मजदूर लगा हुआ है, तो रणधीर सिंह कहाँ सुर्खियों में है? रणधीर सिंह तो हेमंत सोरेन जी सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उनकी सरकार सुर्खियों में रहना चाहती है, विकास के काम वो कर नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से विफल हो चुके हैं जनता की नज़र में। अब जो है बीजेपी के विधायकों को प्रताड़ित करो, इससे हम लोग बिजली होने वाले नहीं, ऐसे आम बात है। और सत्ता आती है हेमंत सोरेन जी, सत्ता आती है जाती है। आप भी मुख्यमंत्री थे 14 महीना और जिस आवास में आप थे उसको भारतीय जनता पार्टी की गलती यही हुई कि उस आवास को आपको खाली नहीं कराया। आपने पूरा मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को अभी तक आवास नहीं दिया। आप भाजपा के चुने हुए विधायकों को आपने ई टाइप का ऑर्डर दे दिया और पहली बार जीत के आपके जो है आपके यूपीए के विधायक आए उनको पहली बार जीत के उसको आप एफ टाइप का ऑर्डर दिए। मैं कोर्ट गया, कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद मुझे ये आवास आवंटन हुआ। आवास आवंटन हुआ तो जो इसमें रह रही थी वो मंत्री परसों उन्होंने खाली किया। अभी मैं लेबर मजदूर लगा हुआ है तो रणधीर सिंह कहाँ सुर्खियों में आना चाहता है? आप फाइनल कर दो, रणधीर सिंह नहीं आएगा तो आप मजिस्ट्रेट रिपोर्ट करना ना। अब रणधीर सिंह खाली कितने दिनों में करेंगे, यहाँ कब तक आएंगे? जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। जैसे हमको हैंडओवर कर देगा विभाग, यहाँ फाइनल हो गया, रंगमन हो गया, उसी दिन में चलाऊंगा। क्या कोई मोहलत दी गई है खाली करने को लेके? मोहलत क्या देगी वो, मैं कोई कुत्ता बिल्ली हूँ क्या खदेड़ कर निकाल देगा? कुत्ता बिल्ली हूँ क्या? मोहलत क्या होता है भाई, कब कंप्लीट कर देगा? मैं आऊँगा, हेमंत सिंह धक्का देगा, हेमंत सिंह निकाल दे मुझे। कैमरा शो की शशि के साथ मनीष झा, सनमान F7, रांची।